प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब महिलाओं के मासिक धर्म के पहले होने वाले लक्षण और उसके उपचार के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारी लेडीज़, महिलाएँ वो हमारे पास में आती है और वो ये लेके सिम्टम्स लेकर आती है कि भाई हमको मेंसेस के पहले, एक हफ्ता पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और पूरा इलाज करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जस्ट मेंसेस के 5-7 दिन पहले, 8 दिन पहले उनको तकलीफ होती रहती है और फिर मेंसेस जब शुरू हो जाती है तो वो तकलीफ़ धीरे धीरे कम कम हो जाती है और एक हफ्ते बाद में पूरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। फिर जब अगला मासिक धर्म आएगा, अगले महीने में जब MC आएंगी तो फिर उस समय भी ऐसे, फिर मतलब ऐसा चालू रहता है उनका। और ये पिछले एक साल भर से मुझे ऐसा चालू रहा तो समझ जाना इनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, PMS जिसको बोलते हैं, वो है। और इसका फिर इलाज करना जरूरी है क्योंकि तकलीफ होती रहती है। तो इसमें लक्षण क्या है? तो टोटल इसके 11 लक्षण हैं और 11 में से 5 लक्षण होना जरूरी है और उसमें के पहले 4 जो है उसमें का एक होना जरूरी है, मतलब पहले 4 में का एक, और बचे हुए 7 जो है वो और पहले 4 ऐसा मिला के 11 है, उसमें के 5 टोटल, ऐसे 5 लक्षण होना जरूरी है। और 5 लक्षण यदि है और 5 में से एक जो है वो पहले 4 में का एक है तो फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उसको कहते हैं। तो फिर लक्षण कौन से है? नंबर एक, निराशा की मतलब भावना कि भाई उनको निराश लगता है, नर्वस लगता है, सैड लगता है। नंबर दो, चिंता या टेंशन रहता है, एंग्जाइटी या टेंशन। नंबर तीन, भावना का कम ज़्यादा होना, मतलब भावना लेबाइल होती है, कभी कम ज़्यादा, थोड़ा अच्छा लगता है तो कभी डाउन लगता है, कभी फ्लैट लगता है, ऐसा भावनाओं का उसको बोलते हैं इमोशनल लेबिलिटी, कम ज़्यादा होना। फिर चार, चिड़चिड़ापन होना, इरिटेबिलिटी है। 5, रोज के काम में दिल नहीं लगना, मन नहीं लगना रोज के काम में। 6, कोई भी काम में लक्ष्य केंद्रित नहीं होना, कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। 7, ताकत या ऊर्जा निकल गई है, कम लग रही है, ऐसा लगना कि ताकत नहीं, एनर्जी नहीं है। 8, बहुत ज़्यादा भूख लगना या भूख ही नहीं लगना। 9, नींद ज़्यादा लगना या नींद नहीं लगना, नहीं मतलब ज़्यादा नींद या कम नींद। 9, 10, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा उसकी भावना, ओवरवेलम, फीलिंग ऑफ ओवरवेलम, मतलब ऐसा कि सब बहुत ज़्यादा, ऐसा पूरा दिन ऑक्यूपाई हो गया है, बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, बहुत काम है और मैं उसको नहीं निपटा सकता हूँ या निपटा सकती हूँ, ऐसा लगना। और 11, शारीरिक लक्षण, जैसा बदन में फूला फूला सा लगना या सूजन लगना या बदन में दर्द लगना, ऐसे शारीरिक लक्षण उनके होते हैं, या ब्रेस्ट में ऐसा दर्द हो जाना, ऐसे शारीरिक लक्षण दिखते हैं। तो ऐसे 11 लक्षण हैं और 11 में से 5 होना और पहले 4 में का एक होना जरूरी है, मतलब टोटल 5। यह कारणों से ये जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, इसमें से पढ़ाई में बाधा आती है, पढ़ाई में, काम में, रिश्तों में, सामाजिक व्यवहार में, स्कूल कॉलेज में, इसमें यदि बाधा आती है, काम नहीं कर सकते तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसका इलाज करना जरूरी है। ये लक्षण जो है, ये लक्षणों का इलाज एक तो साइकोथेरेपी मतलब मानसोपचार, जिसमें हम सपोर्ट देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फिर एंटी एंग्जाइटी ड्रग है, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस है, फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट है, तो ऐसे अलग अलग मेडिसिन्स है जिससे उसका इलाज हो सकता है। और फिर मानसोपचार तो है ही, सपोर्टिव साइकोथेरेपी है, मानसोपचार है जिसमें इसका इलाज हो जाता है, और यदि उसका इलाज किया तो फिर कोई तकलीफ होती ही नहीं है। मगर इसके प्रॉब्लम ये है, इसका इम्पैक्ट ये है कि पहले 7 दिन या 6 दिन ऐसी तकलीफ होती रही और ड्यूरिंग मेंसेस भी तकलीफ होती रही, और यह औरत यदि बहुत चिड़चिड़ी है, उस समय बहुत भावना विवश हो रही है, तो फिर घर में झगड़े झंझट चालू हो जाते और उसका पर परिणाम MC के बाद में ख़त्म नहीं होता, वो भी चालू रहता है। फिर हो सकता है कि आपस में दूजाभाव की भावना आना, बैर हो जाना, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होना, MC होने के बाद में अच्छा होता है नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसलिए उसका डायग्नोसिस और इलाज होकर यह लेडी एकदम अच्छा जीवन जी सकती है। तो इसके लिए ज़रूर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर बोलते हैं, इसका इलाज करो
और इलाज करके अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे, ऐसा करो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे यदि आप बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके हो तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो हॉस्पिटल है, यह हॉस्पिटल अकोला में है और हम सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। यह इसमें लोग हमारे यहाँ पेशेंट्स को लेके आते हैं, रिसार होम के साथ में भर्ती करते हैं, रिसार होम के अलावा भर्ती करते हैं और इनका इलाज करके अच्छे होके ले जाते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, जिनको यहाँ आना संभव नहीं होता वो टेलीफोन के ऊपर काउंसलिंग लेते हैं और अपना इलाज करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।